ये आपके पास सिस्टम दिया गया है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स वन माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला तरीका आपके पास है चेन रूल लगाइए, जो काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है आपके पास, अल्टरनेटिव मेथड है कि आप कोई एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन सोचिए जिससे ये सिस्टम पहले सिंप्लीफाई हो, और सिंप्लीफाई होने के बाद जब वो सिस्टम सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाए तब हम उसको डिफ्रेंशिएट करें। तो शायद दूसरा तरीका आपके लिए काफी आसान होना चाहिए, लेकिन वो उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर सब्स्टिट्यूशन आपको नहीं आता है तो, ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन आप स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं जानते हो। तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक लिस्ट होती है, उसको आप बार बार देखते रहोगे तो आपको डिफ्रेंशिएशन में काम देगा और इंटीग्रेशन में भी काम देगा। तो हमेशा उस लिस्ट को आप देखते रहिए। खैर, अब एक रिस्ट्रिक्शन भी यहां दी गई है, पता नहीं क्यों लिखा गया है, इसकी बात भी हम लोग बीच में करेंगे, ये क्वेश्चन की क्लैरिटी के लिए है, या आप थोड़े से कंपटीशन की तरफ जाओगे तो समझोगे। खैर, हम यहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन करें, तो थोड़ा सा हिंट करते हैं यहां पे, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमेशा अंडर रूट हट जाता है, क्योंकि वन माइनस कॉस स्क्वायर होता तो आप साइन स्क्वायर और फिर अंडर रूट से बाहर हो जाता। खैर, देखिए क्या रखते हैं, तो लेट एक्स को हम यहां पे साइन थीटा रख दे रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन कर दे रहे हैं। अब आपका क्या हो जाएगा, वाई सिंप्लीफाइड वर्जन में साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर, सॉरी, टू साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स ऑफ टू साइन थीटा, और ये आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सबसे पॉपुलर आइडेंटिटी है ना, टेंथ क्लास की, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, तो वहीं से आपका आता है वन माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर के। अच्छा, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएंगे, तो हम लोग इसी स्टेप में लिख लेते हैं, अंडर रूट हट गए। अच्छा, अब आपको फिर से एक नया फॉर्मूला दिख रहा होगा, टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, तो दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख दें, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होता, इसका मतलब कि ये टू थीटा हम लिख सकते हैं लेकिन कभी कभी इसे नहीं भी लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग देखते हैं कि लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो ये कॉम्पिटिशन है, इसीलिए आपको ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। तो थोड़ा समझिए इस चीज को, देखिए इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर वन हो गया, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया, तो इक्वेशन नंबर टू से आप देखिए, तो इक्वेशन नंबर टू में आपका से इस एक्स एक्सिस पे हम थीटा ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है, दैट इज एक्स मतलब साइन थीटा। अब ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें साइन एक्स का, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, ये ग्राफ किसके किसके बीच में लाई करता है, हमेशा माइनस प्लस वन और माइनस वन के बीच में, मतलब साइन एक्स की वैल्यू हमेशा वन और माइनस वन के बीच में लाई करती है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या कहा गया है आपको, एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई रूट टू से प्लस वन बाई रूट टू है, तो माइनस वन बाई रूट टू कहीं यहां पे होगा, ठीक है, माइनस वन से तो क्या होगा, वो बड़ा ही होगा, माइनस वन बाई रूट टू, और प्लस वन बाई रूट टू कहीं यहां पे होगा, दैट इज वन बाई रूट टू, ठीक है। अगर यहां पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं वन बाई रूट टू से और माइनस वन बाई रूट से ड्रॉ करते हैं, तो ये ग्राफ को कहां कट कर रहा है, ग्राफ को कट कर रहा है इस जगह पे, और वन बाई रूट टू साइन किस थीटा की वैल्यू होती है, 45 डिग्री, मतलब रेडियन में पाई बाई 4 रेडियन कहेंगे, और यहां पे देखिए यहां भी कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 4। इसका मतलब कि अगर आपका एक्स कहां से कहां लाई करता है, एक्स अगर लाई करता है माइनस वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू, तब थीटा कहां से कहां लाई करेगा आपका, थीटा लाई करेगा माइनस पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, लेकिन यहां तो हमें 2 थीटा के बारे में सोचना है, तो हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस 2 इंटू पाई बाई 4 लेस देन 2 थीटा लेस देन 2 पाई बाई 4,
तो ये पाई बाई टू आ जाएगा, यहाँ भी पाई बाई टू, मतलब टू थीटा कहाँ से कहाँ आ गया आपका, टू थीटा आ गया आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स तभी लिखा जा सकता है जब एक्स इसकी रेंज में आए, साइन इनवर्स की रेंज में आए, और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, या डोमेन रेंज आपको याद होनी चाहिए। तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है, ओरिजिन से जाता है, ये हो गया आपका माइनस वन और सॉरी प्लस वन, और यहाँ पे हो गया आपका माइनस वन, ये करस्पॉन्डिंग क्या हो गया आपका पाई बाई टू, और ये हो गया आपका माइनस पाई बाई टू। तो जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो गई, ठीक है। तो अगर ये एक्स रेंज में लाई करता है, रेंज में लाई करने का मतलब कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लाई करता है, तभी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के इक्वल होगा। यहां पे वो कंडीशन मीट कर रही है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन मतलब टू थीटा जो है वो रेंज में लाई कर रहा है, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लाई कर रहा है, ठीक है, तब यहां पे हम लिख सकते हैं। ये वजह थी इस रिस्ट्रिक्शन की, ठीक है। अब अगर ये कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन बनते हैं यहां पे, तो कॉम्पिटिशन क्या करता है, यहां इसी स्टेप पे आपको कुछ ऐसा वैल्यू सेट करते हैं ताकि आप यहां पे डिसीजन लो, ठीक है, और वो डिसीजन थोड़ा सा अलग होगा बोर्ड पैटर्न से, ठीक है। खैर चलिए, आपके लिए तो आसान है, बोर्ड के लिए तो बहुत ही आसान है, हमें सोचना भी नहीं है कि लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हम जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो थीटा को यहां से क्या लिख सकते हो आप, इक्वेशन नंबर टू को थोड़ा इंप्रोवाइज कर लो, तो थीटा यहां से हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर टू हम लोग एज्यूम करेंगे। तो वाई अभी क्या लिख सकते हैं यहां पे, वाई इज रिटेन एज ए टू टाइम्स साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया से इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। अब इसको अब तक हमने सिर्फ क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है, बीच में अगर आपको कंपटीशन से मतलब नहीं है तो चीजें स्किप कर दीजिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप सिंप्लीफाइड ध्यान दीजिए और सिंप्लीफाइड वर्जन पे ध्यान दीजिए। देन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टू टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, टू बाहर आएगा तो टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, और ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है जो आपको मेमोराइज होना चाहिए, क्या हो जाएगा आपका टू टाइम्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये टू इंटू वन टू हो जाएगा, तो यही भी हम लिख देते हैं टू बाई, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो डिफरेंशिएशन काफी आसान है, बस एक ही हर्डल है जो आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये सिस्टम बहुत ही आसान है आपके लिए। थैंक यू।